जनपद संभल के चंदौसी में विगत समय से फड़ियाई बाजार स्थित दुकान में चल रही भाभी ट्रांसपोर्ट कंपनी संपत्ति विवाद का एक अरसे बाद हुआ निस्तारण। हम आपको बताते चले कि ट्रांसपोर्ट संचालिका श्रीमती मंजुला ने बताया कि दशकों वर्ष पूर्व मेरे पति की ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। काफी वर्ष पहले मेरे पति की मृत्यु के उपरांत मैंने बच्चों के पालन पोषण हेतु इस ट्रांसपोर्ट की कमान अपने हाथ में ली और भाभी ट्रांसपोर्ट का नाम देकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। इसी दौर में दुकान मालिक ने ट्रांसपोर्ट खाली करने को कहा, तब मैंने अपने पति द्वारा बनवाए गए एग्रीमेंट पेपर के आधार पर बात दायर किया, जिसमें मुकदमेबाजी भी हुई। लेकिन अभी कुछ समय से मैं कैंसर पीड़ित हूं और मुझे पैसों की जरूरत थी, जिसमें मैंने अपने इलाज और मजबूरी वश दान स्वरूप 4 लाख रुपए लेकर ट्रांसपोर्ट की जगह पर राहुल अग्रवाल को कब्जा दे दिया है। अब मेरा कोई किसी से विवाद नहीं है और दुकान की चाबी राहुल अग्रवाल को सौंप दी है। मंजुला शर्मा, आपकी जो ट्रांसपोर्ट है, हाँ भाभी ट्रांसपोर्ट, विवाद था? विवाद इस पर कोई विशेष नहीं था। हम यहाँ के किराएदार हैं और मैं स्वेच्छा से अपने बीमारी के कारण, क्योंकि मैं कैंसर से ग्रस्त हूँ, कैंसर से पीड़ित हूँ, अपनी स्वेच्छा से इसको खाली कर रही हूँ, क्योंकि ये खंडहर हालत में कभी भी ये गिर सकता है। इमारत बहुत पुरानी है और मैं इसे अपनी स्वेच्छा से, किसी बिना दबाव के स्वेच्छा से खाली कर रही हूँ। पिछले दिनों जो विवाद चल रहा था, वो विवाद था या नहीं था? वो विवाद रियल तो नहीं था, लेकिन यह है कि हाँ, उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया गया था और ऐसा कोई विशेष विवाद नहीं था। आप ये मानती हैं कि आप जो है किराएदार हैं और ये काफ़ी आपका नाम है पूरे उसमें, उत्तर प्रदेश में? हाँ, तो क्योंकि मैंने जितने भी पेपर्स देखे थे जब से मेरी शादी हुई है, पिताजी हमेशा इसकी मुकदमेबाजी करते रहे थे और वो हमेशा बताते रहे थे कि हम यहाँ के किराएदार हैं और इतने पुराने समय से हम रहते हैं किराए पर। और प्रशासन को झूठी अफवाह दी गई थी? फिर मैंने कोई अफवाह नहीं दी है, जिसने दी हो ये उसको वो जानकारी है। मैंने नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं लिया खाली कराने का, केवल मैं मुझे दान स्वरूप कुछ, मेरी कैंसर पीड़ित होने के कारण दान स्वरूप धनराशि मुझे दी गई है इलाज के। कितनी धनराशि दी गई? 4 लाख। अच्छा, तो किन लोगों को आपने ये जगह छोड़ी है? राहुल अग्रवाल जी। किन को कब्जा दिया आपने? राहुल अग्रवाल जी। बस आपने अपनी स्वेच्छा से इनको कब्जा दिया है? हाँ, स्वेच्छा से कब्जा दिया। अब कोई आपको कोई मतलब कोई किसी तरह का कोई ना कोर्ट में जाने का या कहीं कुछ नहीं, नहीं जाएंगे तो नहीं कहीं? कोई दबाव नहीं, तो नहीं डाला आपने? नहीं, कोई दबाव नहीं डाला। मतलब आपको पैसे दे गए, प्रलोभन दे गए या ज्यादा ना? कोई प्रलोभन नहीं, नहीं नहीं कोई प्रलोभन नहीं दिया था। केवल मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, मेरी इलाज की वजह से मुझे जो भी दान स्वरूप दिया गया है, दान स्वरूप मेरे इलाज के लिए, कैंसर से पीड़ित हूँ, दान स्वरूप दिया गया। इसमें प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी? प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने स्वेच्छा से ये जगह का दखल दिया है। राहुल अग्रवाल जी के मालिक है? हाँ, राहुल अग्रवाल जी को ये दखल दिया है। नहीं तो इसके मालिक कौन रहेंगे? अब राहुल अग्रवाल जी रहेंगे। तो ये कैसे रहेंगे, मतलब बेनाम हो गया क्या इसका? मेरे पास कॉपी है, उसमें इनके राहुल अग्रवाल जी के नाम है उसमें। ठीक। हमने मकान नहीं, हमने इनके भाभी ट्रांसपोर्ट जो मंजू मामी जी हैं, उनका जो पोर्शन है, उस पोर्शन पे उन्होंने स्वेच्छा से हमको खाली करके दिया है। सर, काफ़ी दिन से इसमें विवाद चल रहा था और वो विवाद झूठा था। कोई विवाद उसका कोई लॉजिक नहीं था जो हम पे विवाद बनाया गया था। अच्छा, यदि बताया जा रहा है आपने कुछ रुपए भी दिए हैं, वो रुपए किस बात के लिए हैं? इनकी सहायता के लिए, क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब है और स्वास्थ्य के लिए ही हमने दिया है, ना कि हमने खाली कराने के लिए पैसा दिया। अच्छा, किसी तरह कोई दबाव थोड़ी बनाया गया? ना, प्यार मोहब्बत से आपने? प्यार मोहब्बत। ये मकान आपके नाम कराया गया है? ऑलरेडी हाँ, संपत्ति है हमारे पे आज से। किस नाम से संपत्ति है ये? हमारे नाम से, मेरे नाम से संपत्ति है। क्या नाम आपका? राहुल अग्रवाल।